गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर सेइंग विदाउट स्पीकिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डू दीज क्वेश्चंस केयरफुली इन योर नोटबुक. फर्स्ट इज नेम द फॉलोइंग अ स्टिक यूज्ड बाय विजुअली इम्पेयर्ड. बेटा जो स्टिक विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स जो ब्लाइंड पीपल यूज़ करते हैं, विजुअली जिनको इम्पेयरमेंट है, हैंडीकैप्टनेस है, वो वाइट केन स्टिक यूज़ करते हैं. चेयर जिसमें व्हील्स होता है, जो फिजिकली चैलेंज पीपल यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द व्हील चेयर. लैंग्वेज इन विच रेज्ड डॉट्स आर यूज, लैंग्वेज इन विच रेज्ड डॉट्स आर यूज, इट इज़ यूज बाय द ब्लाइंड पीपल फॉर रीडिंग, इट इज़ कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट. ओके, एक्सप्लेन वॉट इज ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट इज़ यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द विजुअली इम्पेयर्ड. आप विजुअली इम्पेयर्ड की जगह ब्लाइंड पीपल भी लिख सकते हैं, टू रीड एंड राइट. एंड इट कंसिस्ट ऑफ पैटर्न ऑफ रेज्ड डॉट्स. डॉट्स डॉट्स होती है बेटा जो थोड़ा सा उभरी हुई होती हैं. इट इज़ रेड बाय रनिंग फिंगर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रेज्ड डॉट्स. इन रेज्ड डॉट्स के ऊपर जो उभरी हुई है डॉट्स हैं, इन्हीं के ऊपर लेफ्ट से राइट तक फिंगर्स ऐसे मूव करके द ब्लाइंड पीपल दे ट्राई टू लर्न टू द ब्लाइंड पीपल लर्न टू रीड एंड राइट. ओके, गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज हेल्प हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड पर्सन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ये जो इशारे वाली जो भाषा है, जो साइन लैंग्वेज है, ये हियरिंग जिनको जो डेफ लोग हैं या डम है, म्यूट है, उनको कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, जस्ट टू हेल्प देम डिलीवर व्हाट दे फील. ओके, या कम्युनिकेट करके अपनी बात रख पाएँ, सेइंग विदाउट स्पीकिंग. ओके, After these three questions, here are two more questions. List two ways in which we can help the old and the physically challenged. हम लोग old people या physically challenged जिनको कुछ impairment है, जिनकी कुछ handicappedness है, ऐसे लोगों की कैसे help कर सकते हैं. First is we should first and foremost understand them. और उनको उनके daily tasks में हमें help करनी चाहिए. We should offer help only when they need it or if they ask for it. हमें उनको ये भी नहीं बताना है कि आप लोग लाचार हो. We should not make them feel like this. We should help them only when they need it, या उस वो मांगते हैं हमारी मदद, then only we should help them. Okay? लिस्ट एनी थ्री प्रॉब्लम्स एट द एजड मे हैव. जो ओल्ड पीपल है बेटा, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दे मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड. अगर लेग्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करें, जॉइंट पेन है, लेग्स में पेन रहता है, तो वो फ्रीली इतना घूम फिर नहीं सकते हैं. दे स्ट्रगल टू हियर एंड सी ड्यू टू देयर एज. एज के साथ साथ उनकी आई साइट वीक हो जाती है, सुनने की क्षमता कम हो जाती है. दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कैरी आउट एनी फिजिकल एक्टिविटी. वो कुछ ज़्यादा फिजिकल टास्क कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए भी उनको कई बार हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, कभी उनको रेस्ट की ज़रूरत हो सकती है. सो यू हैव टू कंप्लीट दीज फाइव क्वेश्चंस इन योर नोटबुक नीटली. ओके.